कर्नाटक में हिजाब विवाद ने तुल पकड़ लिया है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इस विवाद के चलते कर्नाटक के शिमोगा शहर में सोमवार को एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। इस घटना से स्थानीय बजरंगी गुस्सा हो गए और पूरे शिमोगा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए वहां के प्रशासन द्वारा वहां पर धारा 144 लागू की गई है। शिमोगा की हत्या का असर मंगलवार को शहर में भी दिखाई दिया। मंगलवार को शहर के बजरंग दल की ओर से बड़कर चौक पर इस घटना का विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। विरोध करते हुए पुलिस की ओर से कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया। तभी सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नारे लगाने लगे। कुछ समय के लिए वहां का वातावरण तनावपूर्ण बन गया था। ऐसा है, कोणतीही घटना झाल्यानंतर आम्ही हा विचार करतो की प्रशासन त्या बाबतीमध्ये योग्य कार्यवाही करेल आणि जेव्हा आम्हाला हे लक्षात येतं की काही कार्यवाही बरोबर होत नाही आहे तेव्हा मग आम्ही निषेध मोर्चा प्रयत्न हे प्रारंभ करत असतो। घटना झाली आणि लगेच आम्ही विरोध करायला सडकेवर पण उतरले तर लोक आम्हाला म्हणतील की तुम्हाला काही धैर्य नाही आहे का, प्रशासनावरती विश्वास नाही आहे का। म्हणून आम्ही प्रशासनावरती विश्वास ठेवून आम्ही 2-3 दिवसाची वेळ त्यांना दिली आणि आज आम्ही हा विरोध प्रदर्शन करतोय। आमची मागणी होती की आम्ही या प्रकरणाची SIT कडून निष्पक्ष जांच व्हावी, विशेष कोर्ट नियुक्त करावं आणि ज्यांच्यावरती आरोप आहेत त्यांना लवकरात लवकर आपल्या कब्ज्यामध्ये घेऊन त्यांच्यावरती कार्यवाही करावी आणि त्यांना सक्त सजा, फाशीची सजा त्यांना द्यावी ही आमची आग्रहाची मागणी आहे।